हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको हमारे चैनल पे। दोस्तों आप यहां पे एक बड़ा सा सबमरीन देख पा रहे होंगे। ये सबमरीन दोस्तों हमारा इंडिया का प्राउड है। ये सबमरीन को गाजी अटैक में यूज किया गया था। अगर आप गाजी अटैक फिल्म देखे हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते ही होंगे। दोस्तों इस सबमरीन का नाम है दोस्तों INS कुरसुरा। ये सबमरीन गाजी सबमरीन जो पाकिस्तान का है उसे डिस्ट्रॉय किया था और इसे अभी एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम के तरह हम अभी जा सकते हैं उसके अंदर और देख सकते हैं क्या क्या था, क्या क्या चीज है। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हम अभी जा रहे हैं इस सबमरीन के अंदर और आपको दिखाएंगे सारा कुछ चीज कैसा है सबमरीन के अंदर, कैसे रहते थे हमारे नेवी के ऑफिसर्स, कैसे रहते थे हमारे नेवी के सोल्जर्स और हमारा इंडिया का प्राउड है ये। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो का एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो अभी चलो चलते हैं इस सबमरीन के अंदर। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम म्यूजियम के अंदर और बहुत जल्दी हम सबमरीन के अंदर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर किया है, आप 3-3-6 टर्पीडो देख सकते हैं। टर्पीडो का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप का मिसाइल, एक टाइप का बॉम्ब बोल सकते हैं, जो कि सबमरीन में यूज़ किया जाता है दूसरे जहाज़ को ब्लास्ट करने के लिए, दूसरे जहाज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसके ही मदद से ही गाजी को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस सबमरीन के बारे में। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो इसे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसे दिया गया है और ये छोटा जो काउंटर देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे आप टिकट करके अंदर जा सकते हैं, सबमरीन के अंदर अभी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने टिकट कर दिया है, अभी जाते हैं सबमरीन के अंदर। ये दोस्तों एक टाइप का टर्पीडो है जो कि ऊपर लगा था, अभी आपने नीचे वो देखा इतना बड़ा रहता है टर्पीडो। तो अभी पहले इसमें आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ, इस सबमरीन में टोटल 7 कंपार्टमेंट है। अभी पहले हम जा रहे हैं फ्रंट साइड के फर्स्ट कंपार्टमेंट को अभी जा रहे हैं, और जो साइड आपने देखा वो भी फ्रंट साइड का ही है। दोस्तों जो आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्पीडो का ऐसे लगता है, इस होल में सब टर्पीडो लगता है और यहाँ से ही टर्पीडो को फायर किया जाता है, यहाँ से ही सारा टर्पीडो को कंट्रोल किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सामने एक सबमरीन है तो लोग कैसे जान के इस टर्पीडो को फायर करते रहेंगे। और यहाँ पे 6 टर्पीडो टोटल लगता है और जो आप रेड और वाइट में देख पा रहे हैं वो भी एक टाइप का माइंस है जो कि यूज़ किया जाता है सी में। और ऐसे ही दोस्तों टर्पीडो के मदद से ही गाजी को पूरा डिस्ट्रॉय किया गया था। तो अभी चलते हैं कंपार्टमेंट 2 में। कंपार्टमेंट 2 में आपको क्या क्या है हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इतना छोटा सा एक यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है, यहाँ पे कैसे रहते होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो कैप्टन थे उनका सारा चीज़ यहाँ पे रखा गया है, उनका सारा बुक्स भी यहाँ पे रखा गया है। अगर आप गाजी अटैक फिल्म देखे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में और एक रूम है, और दोस्तों ये रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम है, इसे साउंड रूम बोल के बोलते हैं। इस रूम में मालूम पड़ता है कि आपके पास कोई सबमरीन आ रहा है क्या, आपको कोई सबमरीन अटैक किया क्या टर्पीडो में, या फिर आपके पास कोई सीफ है क्या। तो इसीलिए ये रूम को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों राइट साइड में हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा रेस्ट रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जन का एक रेस्ट रूम है। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है बहुत सारा स्विचेस जिसके बारे में हमें तो कोई आइडिया नहीं है। और जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है ये डाइनिंग हॉल, और उसके साइड में ही ऑफिसर्स का, 4 ऑफिसर्स का, यहाँ पे जो 4 ऑफिसर रहते होंगे उनका ये रेस्ट रूम है बोल के बोल सकते हैं। और उसके ठीक सामने ही आपको देखने को मिलता है उनका डाइनिंग हॉल जहाँ पे बैठ के वो खाना खाते होंगे। तो दोस्तों हम जैसे ही डाइनिंग हॉल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है नीचे एक बैटरी पीट, जो कि बैटरी पीट 2 लिखा गया है। और उससे आगे ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यहाँ पे रेस्ट रूम बनाया गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितना छोटे छोटे जगह पे हमारे नेवी ऑफिसर रहते थे और हम प्रोटेक्शन करते थे। तो इसीलिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंडियन नेवी के लिए एक कमेंट कर दीजिए। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना छोटा सा एक गेट है, और ये हो गया आपका कंपार्टमेंट 3। तो दोस्तों हम जैसे ही कंपार्टमेंट 3 को एंट्री करते हैं हमें देखने को मिलता है ये, यहाँ पे साइड उनका स्पीड कंट्रोल रहेगा, और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक रास्ता। हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत सारे यहाँ पे चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे एक साइड में एक रूम है जो कि हो गया आपका नेविगेशन, अभी सबमरीन कहाँ पे है यहाँ पे इस रूम में पता चलता था। और उसके आगे जैसे बढ़ते हैं आप देख पा रहे होंगे स्टेयरिंग जैसे बहुत सारे चीज़ हैं, और इसके ज़रिए ही
सबमरीन को ऊपर नीचे साइड करते थे हमारे जो नेवी ऑफिसर्स यहाँ पे काम करते थे वो लोग, और बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना सारा चीज़ है, इन सबको मैनेज करके वो लोग हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए घाजी को डिस्ट्रॉय किए थे। तो इसी के कारण हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के सपोर्ट में कुछ लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सारा चीज़ है, हमें भी देख के समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चीज़ क्या है। जितना मैं देखा हूँ फिल्म में, जितना मैं मूवी में देखा हूँ उतना चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप जब भी इस सबमरीन को देखने आ रहे हैं, इस सबमरीन म्यूजियम को आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा, आप उससे पहले दी घाजी अटैक मूवी ज़रूर देख के आइएगा। यहाँ पे आप जब घाजी अटैक मूवी देख के आएंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको समझ आ जाएगा, देख के ही यहाँ पे उनका सारा चीज़ पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये है दोस्तों रेडियो रूम, और रेडियो रूम का क्या काम रहता है आप तो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते ही रहेंगे। हम जैसे ही इधर देखते हैं इधर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे मशीनरी है, और ही आ गए हम कंपार्टमेंट 4 की तरफ से। यहाँ पे हमारे जो वीर सोल्जर्स हैं उनका नाम लिखा गया है, जो जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं, जो जो लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं वहाँ उनका सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट रूम हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ के भी जान सकते हैं। यहाँ पे तो कोई गाइड नहीं था लेकिन मैंने घाजी अटैक मूवी देखा था इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम है। और ये हो गया दोस्तों आपका, ये सूट पहन के वो लोग बाहर जाते रहेंगे, और ये सूट पहन के अगर कोई दिक्कत आया, कोई प्रॉब्लम आया तो ये सूट पहन के वो लोग बाहर जाते रहेंगे। और यहाँ पे उनका सारा चीज़ अवार्ड भी यहाँ पे रखा गया है, जो जितने जितने अचीवमेंट्स है सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रखा गया है। और इसी भी तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप आगे जाके देखेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिए। आगे बहुत सारा कंपार्टमेंट्स है, ये तो 4 कंपार्टमेंट है, आगे हमें 7th कंपार्टमेंट तक जाना है, और ऐसे ही बहुत सारे सीखने के चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया इस सबमरीन का कुकिंग रूम, यहाँ पे कुकिंग होता था, सारे जो सबमरीन में जितने लोग थे उनके लिए यहाँ पे यही कुकिंग होता था। कितना छोटा सा है आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है बहुत सारे चीज़ें, आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये सारा चीज़ इंजन का सब इंडिकेटर है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर या फिर और सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे आके जान सकते हैं। और दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगा कितना छोटा सा रास्ता है आप देख सकते हैं, और कैसे जाते रहेंगे आप खुद देख सकते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं कितना सारा मशीनरी और कितना सारा चीज़ यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई ऐसे जगह पे आते हैं या जब भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं ऐसे ख़राब मत कीजिए। यहाँ पे कोई के जे लिख के चले गए हैं दोस्तों, प्लीज़ इसे ख़राब मत कीजिए। ये सबमरीन जो है दोस्तों हमारा इंडिया का एक प्राउड है, हमारा इंडिया का एक गर्व है, तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों इसे ऐसे ख़राब मत कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये है कंपार्टमेंट नंबर 5, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना सारा चीज़ यहाँ पे है, कितना सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे है। मेनली इस कंपार्टमेंट नंबर 5 पे मशीनरी ही है सारा चीज़, यहाँ पे कोई भी बैठने के लिए जगह नहीं है या फिर कोई भी कैबिन्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ से अभी चलते हैं कंपार्टमेंट नंबर 6 को, और आपको दिखाते हैं कंपार्टमेंट नंबर 6 में क्या है। तो दोस्तों कंपार्टमेंट नंबर 6 में भी सारा कुछ सिर्फ मशीनरी ही है, सारा कुछ सिर्फ मशीन से है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल रूम है, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल होता रहेगा, सारा कुछ चीज़ कंट्रोल में कैसे किया जाता है इस सारा कुछ चीज़ यहाँ पे होता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुपर स्विच बोल के एक स्विच है वहाँ पे, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर 6 में एक छोटा सा टॉयलेट भी दिया गया है, वहाँ से वॉशरूम भी दिया गया है, और साइड में आपका वॉश बेसिन भी दिया गया है। और कंपार्टमेंट नंबर 6 एक छोटा सा कंपार्टमेंट है बाकी कंपार्टमेंट से अगर कंपेयर करें तो, और वहाँ पे सिर्फ मशीनरी ही है। तो दोस्तों अभी आ गए हम कंपार्टमेंट नंबर 7 को, यानी कि ये लास्ट कंपार्टमेंट है। और आप जैसे देखे ये ऊपर जाने का एक रास्ता है, यानी कि सबमरीन का जो बाहर का रास्ता है वो था, और यहाँ पे वर्कर्स के लिए जो जगह छोड़ा गया था उनका रहने के लिए उनका रेस्ट रूम वगैरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सोने के लिए दिया गया है। ये कंपार्टमेंट नंबर 7 लास्ट कंपार्टमेंट है दोस्तों, और उसके बाद और कोई कंपार्टमेंट नहीं है। जैसे ही हम अभी बाहर निकलते हैं आपको ऐसे शानदार नज़ारे दिखेंगे।
तो दोस्तों अभी हम सबमरीन के बाहर आ चुके हैं, फ्रंट के तरफ से गए थे और बैक के तरफ से अभी हम बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा है सबमरीन का और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है सबमरीन के अंदर। आपको भी ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे वीर सैनिक, हमारे सोल्जर्स कैसे रहते थे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।